हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं शकरकंद का एकदम नया नाश्ता। तो इसके लिए देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे 5 से 6 मैंने शकरकंद ले लिए और इनको मैंने उबाल के और छील लिया है। तो आप किसी चम्मच या फिर फॉर्क की हेल्प से आप इस तरीके से इसको मैश कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शकरकंद को बहुत ही अच्छे से मैंने मैश कर लिया है। और अब हम लेंगे एक बाउल, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेना है हमें क्योंकि ये सारी चीजें हमें मिक्स करनी है इसमें। अब हम लेंगे यहाँ पे आटा। तो आटा हमने गेहूं का लिया है और एक कटोरी लिया, आप देख सकते हो। और जितना हमें आटा लेना है ना, उसका आधा हमें सूजी लेना है, ये मैंने ले लिया। और अब मैंने यहाँ पे आधा कटोरी चीनी ले ली है। आप मीठा अगर ज्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हैं। वैसे हमारी जो शक्करकंद है वो भी मीठी है ना, तो उस हिसाब से आप शक्कर को ले लें। और अब हम इसे मिक्स करके इसमें डालेंगे दूध। तो यहाँ पे दूध डाल के हमें इसको मिक्स कर लेना है और इसका घोल बना लेना है। बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। दूध मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गुनगुना करके लिया था, जिससे हमारी सूजी है ना वो अच्छे से फूल जाएगी। यहाँ पे बैटर हमारा तैयार हो गया, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे आधा चम्मच सौंफ पाउडर और यहाँ पे 1 चम्मच डालेंगे सफेद तिल। आपको पसंद है तो आप डालें और अगर नहीं पसंद है तिल आप ना डालें। यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और अब हम यहाँ पे डालेंगे जो हमने शकरकंद तैयार करके रखी थी ना, उसको हम इसमें डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इसको भी मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे से, इसमें कोई भी गुठलियां वगैरह ना रहे। तो इस तरीके से हमें मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, मिक्सर हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे और तब तक हम अपने चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में घी ले लिया, ये देसी घी है और आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड, पर देसी घी का ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब इसको मेल्ट होने देंगे क्योंकि सर्दी का टाइम है, ये जमा हुआ है। तो फ्रेंड्स, घी हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है और अब हमने जो मिक्सर तैयार किया था ना, उसको हमने एक बड़ी चम्मच में लिया है और इसके बीच में हम इसको डालेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो, और एक चम्मच ले लेंगे और उससे हम इसको थोड़ा सा फैला देंगे इस तरीके से। और हमें स्लो फ्लेम पे इसको सिकने देना, ये अपने आप ऊपर आ जाएगा, तब हम इसको पलट देंगे। तो ये देखिए अपने आप ऊपर आ गया और बहुत अच्छे से फूल भी गया है, देख सकते हैं। और अब हम इसको पलट देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही अच्छा। दूसरा ही बना लेंगे इसको हम, चलिए निकाल लेते हैं। एक बार हम आपको और भी बना के दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से हमें डालना है और इस बार हम 2 डालेंगे। जितना आपकी कढ़ाई में स्पेस है ना, आप उसी के द्वारा बना डाल सकते हैं इसमें। तो इसको हमें हल्का सा प्रेस कर देना है जिससे ये हमारा जो है फैल जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स कैसे ये अपने आप फूल के ऊपर आ रहे हैं। तो अब हम इनको भी पलट देंगे, बहुत ही अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते कितने अच्छे तरह गुब्बारे जैसे बिल्कुल फूले हुए हैं। फ्रेंड्स, आप एक बार इसको बना के जरूर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। जो इसमें सौंफ पड़ी होती है ना, उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम ये भी सीख गए, तो अब हम इनको निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मालपुए बनके तैयार है शकरकंद के। आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर कितना ज्यादा सॉफ्ट बने हुए हैं। ये देखिए, आप जब एक बार बनाएंगे ना तो दोबारा फिर से मन करेगा आपको बनाने का। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।